सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। साल मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से तनु बात कर रही हूँ। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, जानकारी के पूर्व क्या आपका नाम जान सकती हूँ? मैडम नाम बताने के लिए धन्यवाद। क्या समस्या आ रही बताइए। तो मैडम मेरी एक नई कंप्लेन लिखी है कि मैं सीएम हेल्पलाइन में जो कंप्लेन करता हूँ वो विभाग के अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया जाता है बिना शिकायत करता की संतुष्टि के। अच्छा, जिस कंप्लेन की आप जानकारी लेना चाहते हैं आप मुझे वो कंप्लेन नंबर बता दीजिए, मैं कंप्लेन में अपडेट कर देती हूँ कि आपकी सहमति के बिना आपकी शिकायत को बंद। तो मैडम वो तो बंद कर देना, मेरे कम से कम 6-7 मेरी 20 लगभग कंप्लेन है उनको ऐसे ही बंद कर दिया गया है। जिस कंप्लेन बंद कर दी गई, जो कंप्लेन चालू उसकी जानकारी बिना सहमति के, बिना सहमति अभी तो कोई चालू नहीं है मैडम, बिना सहमति के बंद कर देते हैं तो मुझे इसके लिए शिकायत करनी है कि ऐसा क्यों करते हैं, आप इसको लिखिए। आपको किस विषय में शिकायत दर्ज करानी है? मुझे इस विषय में शिकायत दर्ज करानी है कि बिना शिकायतकर्ता की अनुमति के कोई भी शिकायत क्यों बंद कर दी जाती है, ये आप लिखिए। ये किसी के विभाग में तो जाएगी, मंत्रालय के पास जानी चाहिए। ये शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई विषय है किसी प्रकार की समस्या, तो मैडम ये विषय ही है ना, कि विषय नहीं है कि मैडम ये कंप्लेन कैसे दर्ज हो पाएगी कि सीएम हेल्पलाइन में आप कॉल कर रहे हैं उनके अधिकारियों के खिलाफ ही आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। तो मैडम क्यों नहीं हो सकती मैडम, ये तो जनता की सुविधा के लिए है ना, ये जनता की। अभी तक बिल्कुल मना नहीं किया कि जनता की सुविधा के लिए नहीं है सीएम हेल्पलाइन, जनता की सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाइन को। हाँ तो इसमें हमें असुविधा हो रही है ना, हमारा कार्य होता नहीं है और एक अधिकारी L3 L4 के अधिकारी बंद कर देते हैं। आपकी जो शिकायत बंद हुई है आपको जो शिकायत नंबर बताई मैं उस शिकायत को चालू करके उसमें दर्ज कर दूंगी कि आपकी शिकायत को आपकी सहमति के बिना बंद किया। तो मैडम उसको रीओपन नहीं होगी ना, आप तो नई शिकायत दर्ज कर देंगी। मैं रीओपन कर सकती हूँ, मैं जानकारी दे रही हूँ आपको, मैं रीओपन कर सकती हूँ शिकायत आपके, पर ये शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी यहाँ पर कि अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायत मैं दर्ज कर सकती हूँ, मैं आपकी शिकायत नंबर आप मुझे बता दीजिए। लिखिए मैडम बताइए। इस शिकायत के द्वारा की गई MPV के खिलाफ थी जी। तार जल गए हैं बारिश के कारण, फसल खराब, वायर खराब हो चुके जी, तो इसको बंद कर दिया गया है जी, और इसको अब मुझे ओपन कराना, तो आप इसके लिए मुझे नया कंप्लेंट नंबर देंगी जी महोदय, इसके लिए नया कंप्लेंट नंबर। तो मैडम इसका मतलब क्या है, फिर वहीं जाएगी वो, फिर बंद कर देंगे, तो इसके लिए कोई ये जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए ना मैडम, ऐसा क्यों होता है बिना होना चाहिए। आप थोड़ी मेरी जानकारी सुनने का प्रयास कीजिए जी। बोलिए, आपके लिए विभाग के लिए हम सिर्फ एक माध्यम है, जैसा कि विभाग के द्वारा शिकायत बंद की गई, तीसरे लेवल के अधिकारी के द्वारा 11 दिसंबर को आपकी शिकायत बंद की गई है जी। शिकायत हम बंद नहीं करते महोदय, हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं। तो मैडम इसीलिए मैं शिकायत करूं कि अधिकारियों के खिलाफ मुझे शिकायत करनी है, वो जो अधिकारी हैं वो भी किसी विभाग के अंतर्गत कार्यरत है ना। अधिकारियों के लिए किस विभाग में कंप्लेंट दर्ज करेंगे हम, उनके लिए तो कोई विभाग नहीं बनाया गया है ना, जो कंप्लेंट है आपके। तो मैडम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको शिकायत दर्ज करिए, वो जानी चाहिए मंत्रालय में कि इसके लिए अगर नया विभाग बनाया जाए या फिर जो भी हो कोई नया अपडेट किया जाए इस पे कि L4 L3 अधिकारियों को बंद करने की पावर नहीं होनी चाहिए, जनता शिकायतकर्ता की संतुष्टि, शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि पर। Ha 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 ha